हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन इन्वर्जन इन लेजर एक्शन और लेजर गेन का मतलब। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अब ये जो पॉपुलेशन इन्वर्जन इन लेजर एक्शन है, तो लेजर बनाने के लिए पॉपुलेशन इन्वर्जन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है वो समझ लेते हैं। तो जनरली जो भी हमारे लोअर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू हायर एनर्जी लेवल। अब क्वेश्चन आएगा क्यों ऐसा। तो जब लोअर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को हम कुछ लाइट के फॉर्म में एनर्जी देंगे, कुछ फोटॉन देंगे, तब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे और हायर एनर्जी लेवल पे चले जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन का पंपिंग हो जाएगा, हायर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। लेकिन हायर एनर्जी लेवल पे प्रॉब्लम क्या आती है कि हायर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ 10^-8 सेकंड जितने कम टाइम तक ही स्टेबल रहते हैं, और 10^-8 सेकंड के बाद वो वापस से लोअर एनर्जी लेवल पे आ जाते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन करा के, जिसमें वो सिर्फ एक ही फोटोन यानी एक ही छोटी सी लाइट एनर्जी रिलीज करते हैं। अब लेजर एक्शन के लिए यानी लेजर बनाने के लिए तो बहुत सारी हमें लाइट एनर्जी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये चीज तो चाहिए नहीं जो जनरली होती है। जनरली क्या होता है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N1 है ग्राउंड लेवल पे लोअर एनर्जी लेवल पे, वो हायर एनर्जी लेवल के जो इलेक्ट्रॉन है उससे ज्यादा है। उसके कारण क्या होगा, कम लाइट एनर्जी बनेगी, अभी हमने देख लिया। तो ये हमें चाहिए नहीं, जनरली तो यही होता है। तो हमें क्या चाहिए, हमें इसका जस्ट इनवर्स चाहिए, इसका जस्ट ऑपोजिट चाहिए। ऑपोजिट यानी क्या, जो ग्राउंड लेवल पे या फिर लोअर एनर्जी लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन का पॉपुलेशन है, जितनी संख्या है, वो हमें हायर एनर्जी लेवल पे चाहिए। यानी हायर एनर्जी लेवल पे हमें इलेक्ट्रॉन का पॉपुलेशन ज्यादा चाहिए कंपेयर टू लोअर एनर्जी लेवल, यानी इसका इनवर्स यानी इसका ऑपोजिट। इसलिए इसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन यानी क्या, हम क्या करेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी लेवल पे रखेंगे और कम इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी लेवल पे रखेंगे, जिसे हम बोल देंगे पॉपुलेशन इन्वर्जन। अच्छा, अब आप बोलोगे कि यहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए लेकिन क्या फायदा हुआ, ये रहेंगे कितने, 10^-8 सेकंड तक ही रहने वाले हैं, तो फायदा क्या होगा। तो उसका आंसर ये है कि हम ऐसा मटेरियल सिलेक्ट करेंगे, ऐसा एटम सिलेक्ट करेंगे, या बोल लो ऐसा एलिमेंट लेंगे जिसके पास एक मेटास्टेबल स्टेट हो। मेटास्टेबल स्टेट यानी क्या, दो हमारे जो एनर्जी लेवल होते हैं उसके बीच में एक और एनर्जी लेवल होता है, एक और स्टेट होता है, जिसे हम मेटास्टेट के नाम से जानते हैं। जैसे कि हमारा हो गया रूबी क्रिस्टल, ऐसे सम स्पेशल एलिमेंट्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं लेजर एक्टिव एलिमेंट। यानी क्या, जिसके पास एक मेटास्टेबल स्टेट हो। अब आप बोलोगे कि मेटास्टेबल स्टेट है तो इससे क्या फायदा हुआ, तो हमें पता है कि मेटास्टेबल स्टेट में जो भी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज्यादा टाइम तक स्टे करते हैं। कैसे, जैसे कि मेटास्टेबल स्टेट है, हमने इनवर्स ऑफ पॉपुलेशन कर दिया, तो उसी वजह से क्या होगा, यहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए, यहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये इलेक्ट्रॉन सीधे लोअर एनर्जी लेवल पे नहीं जाएंगे स्पॉन्टेनियस एमिशन करके, कम फोटोन को रिलीज करके। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे, कहां पे, मेटास्टेबल स्टेट पे आ जाएंगे। मेटास्टेबल स्टेट पे कितने टाइम तक रहेंगे, 10^-3 सेकंड तक, यानी 10^-8 और -3 का अगर हम डिफरेंस निकाले तो पॉजिटिव में आएगा, यानी कि 10^5 सेकंड ज्यादा टाइम तक ये सारे एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कहां रहने वाले हैं, मेटास्टेबल स्टेट में। अब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आए, स्पॉन्टेनियस एमिशन कराया, यानी एक ही फोटोन एक इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। इसका मतलब यहां पे लाइट की डेंसिटी इतनी मिली नहीं, यानी हमें स्पॉन्टेनियस एमिशन का तो कुछ फायदा हुआ नहीं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन मेटास्टेबल स्टेट में पहुंच चुके हैं, अब मेटास्टेबल स्टेट से ये लोअर एनर्जी लेवल पे रेयर केस में जाते हैं अपने आप से, यानी स्पॉन्टेनियस एमिशन करा के, यानी कि अब इलेक्ट्रॉन यहां पे आके फंस चुके हैं, यही हमें चाहिए था। अब हम क्या करेंगे, इसका स्टिम्युलेटेड एमिशन कराएंगे, स्टिम्युलेटेड यानी फोर्सफुली अब एमिशन कराएंगे। कैसे हम कराते थे स्टिम्युलेटेड एमिशन, कि हम क्या करेंगे, एक फोटोन देंगे, कुछ लाइट एनर्जी देंगे, ये फोटोन हमने ये इलेक्ट्रॉन को दिया,
जिससे करके इलेक्ट्रॉन दो फोटोन को एमिट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन ने दो फोटोन एमिट कर दिए। अब ये दो फोटोन में से एक फोटोन एनर्जी दूसरे इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन में से दो और फोटोन एमिट होंगे, यानी यहां तो दो थे ही और इसकी वजह से और दो यानी चार हो गए। अब ये चार फोटोन में से एक फोटोन इसको देंगे, जिसकी वजह से ये दो और फोटोन रिमूव करेगा, यानी चार तो थे ही और दो एक्स्ट्रा हो गए, यानी छह हो गए, फिर आठ हो गए, फिर दस हो गए। यानी ऐसे करते करते जो हमारी लाइट की डेंसिटी है वो बढ़ती जाएगी, यानी लाइट की इंटेंसिटी हमारी बढ़ती जाएगी, वही तो हमें लेजर एक्शन में जरूरी है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो मटेरियल है या फिर ये जो एक्टिव एलिमेंट है उसमें फोटोन रैंडम डायरेक्शन में एमिट होते हैं, कोई भी डायरेक्शन में एमिट होते हैं। ठीक है, अब ये जो फोटोन रैंडम डायरेक्शन में एमिट होते हैं उसका एम्प्लीफिकेशन करने के लिए ये जो एक्टिव एलिमेंट है उसे दो मिरर के बीच में रखा जाता है लाइट के एम्प्लीफिकेशन के लिए। कैसे देख लेते हैं, यहां पे है मिरर R1 जो कि है रिफ्लेक्टिंग मिरर। रिफ्लेक्टिंग मिरर यानी जो भी फोटोन है उसको सबको रिफ्लेक्ट कर देगा। दूसरा है R2, ये है पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर। पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर यानी क्या, ये ऐसी हाई इंटेंसिटी लाइट को ही खुद में से पास होने देगा, कुछ हाई इंटेंसिटी लाइट को यानी लेजर को वो पास होने देगा। ठीक है, अब ये जो एलिमेंट है उसका डिस्टेंस हमने डी के बराबर ले लिया है। अब ये वाले जो फोटोन है, ये वाले फोटोन जो मिरर के नॉर्मल एमिट होते हैं या मिरर के परपेंडिकुलर एमिट होते हैं, वो फोटोन क्या करेंगे, ये फोटोन यहां जाएगा, कोलाइड करेगा, वापस यहां जाएगा, यानी ये फोटोन मटेरियल के अंदर ज्यादा टाइम तक प्रेजेंट रहेगा। अगर फोटोन मटेरियल के अंदर ज्यादा टाइम तक है, इसका मतलब क्या, मटेरियल के अंदर दूसरे भी जो सारे इलेक्ट्रॉन है उसको ये फोटोन एनर्जी देंगे, उनका ये स्टिम्युलेटेड एमिशन कराएंगे, यानी ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का स्टिम्युलेटेड एमिशन होगा मटेरियल के अंदर, तो एम्पलीट्यूड जो है इंटेंसिटी है लाइट की बढ़ती जाएगी। अब इंटेंसिटी लाइट की इस इक्वेशन से दी जाती है I = I0e^2 βd। आई क्या है, लेजर की इंटेंसिटी। आई नॉट क्या है, इनिशियल इंटेंसिटी, जब फोटोन प्रोड्यूस हुए थे तब की इंटेंसिटी। एम्पलीफिकेशन हुआ था वो ये वाले इंटेंसिटी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है 2 बीटा। अब बीटा को हम बोलेंगे गेन कोएफिशिएंट, लेजर गेन कोएफिशिएंट। डी यानी क्या, जो भी डिस्टेंस है हमारा एलिमेंट का उसको हम डी बोल देंगे। ठीक है, अब ये तो बात हमने किसकी कर ली, जो भी फोटोन एमिट हो रहे हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिरर के। अब कुछ फोटोन ऐसे भी है जो मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एमिट नहीं हो रहे हैं, जैसे कि ऐसे फोटोन ये ऐसे करके चले जाएंगे बाहर, यानी लॉस हो जाएगा फोटोन का, ये भी परपेंडिकुलर नहीं है, ये भी कोलाइड करके बाहर चला जाएगा, यानी कुछ लॉस भी होगा हमें। अब जितने भी लॉसेस हो रहे हैं मिरर की वजह से, फोटोन की वजह से, वो सारे लॉस को हम अल्फा के बराबर बोल देंगे। अल्फा यानी क्या, टोटल लॉस। अब हमारी एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये इक्वेशन हम वापस से लिखेंगे। अब हमारी लॉस के साथ कितनी इंटेंसिटी मिलेगी, I = I0e^2 β तो है ही, अब हम लॉस को भी कंसिडर करेंगे। लॉस हमेशा माइनस में लेते हैं, इसलिए e^-2 α, अल्फा यानी टोटल लॉस, d यानी डिस्टेंस R1 R2 जो कि ये मिरर्स है। ठीक है, अब यहां पे I0 को हम नीचे ले आते हैं, तो I/I0 = बाकी की ये जो टर्म रह गई वो, और ये जो पूरी टर्म है, ये जो पूरी टर्म है उसे हम G बोल देते हैं। ठीक है, और G क्या है, लेजर गेन है, लेजर गेन है, यानी I/I0 = G। अब ये जो लेजर गेन है वो हमेशा अल्फा यानी लॉस से ज्यादा होना चाहिए लेजर बनाने के लिए, और ये जो लेजर गेन है वो लेजर एक्शन के लिए हमेशा एक के बराबर या एक के ज्यादा होना चाहिए, यानी कि ये जो टर्म है, ये जो पूरी टर्म है, ये पूरी टर्म वो एक के बराबर या एक से ज्यादा होनी चाहिए। तो यहां तक आपको एग्जाम में लिखना है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन, रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।